वहीं छत्तीसगढ़ के सरगुजा में विजय संकल्प शंखनाद महारैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हो रही कार्यवाही को पूरा देश देख रहा है। मैं यहां विकसित भारत और विकसित भारत के लिए आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं। कांग्रेस का कुशासन और लापरवाही देश की बर्बादी का कारण है। आज बीजेपी आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। जो लोग हिंसा फैलाते हैं और कांग्रेस के नेता उन्हें बहादुर कहते हैं, ऐसे कार्यों के कारण कांग्रेस ने देश का विश्वास खो दिया है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह कांग्रेस के घोटालेबाजों पर एक्शन हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। साथियों, मैं आज आपसे विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। जब मैं विकसित भारत कहता हूं तो कांग्रेस वालों का और दुनिया में बैठी कुछ ताकतों का माथा गर्म हो जाता है। अगर भारत शक्तिशाली हो गया तो कुछ ताकतों का खेल ही बिगड़ जाएगा। आज अगर भारत आत्मनिर्भर बन गया तो कुछ ताकतों की दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए वो भारत में कांग्रेस और इंडी गठबंधन की कमजोर सरकार चाहते हैं।